गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम पुनरावर्तन शुरू किए हैं, ठीक है। मतलब परीक्षा के दृष्टि से पुनरावर्तन, ठीक है। आज इस कक्षा में हम क्या करेंगे, फिर और एक बार व्याकरण भाग पर, ठीक है, व्याकरण भाग पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पिछले कक्षा में भी आप देख लिए हैं बच्चों, जिस तरह व्याकरण भाग में प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों का हल हम जिस तरह करना है, ठीक है, इस तरह अनेक विषयों के बारे में हम पिछले कक्षा में चर्चा किए हैं। तो आज इस कक्षा में देख लो बच्चों, पूरा कुल मिलाकर मतलब व्याकरण व्याकरण में कुछ भाग इधर मैं लिखता हूँ कौन कौन, ठीक है, देख लो इधर। विलोम मतलब विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द कारक, काल, पर्यायवाची, पर्यायवाची, नेक्स्ट प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नेक्स्ट वचन और और मूल क्रिया, देख इस तरह आपको मतलब प्रश्न पत्र में, ठीक है, इन सभी व्याकरण के भाग पर प्रश्न आते हैं। विलोम शब्द, ठीक है, कारक, काल, पर्यायवाची, प्रेरणार्थक क्रिया, वचन और मूल क्रिया। आज हम क्या करेंगे बच्चों, ये हर एक भाग क्या ये व्याकरण भाग के अध्याय है, ठीक है, इन सभी भाग पर व्याकरण के इन सभी भाग पर हम क्या करेंगे, आज चर्चा करें। कल भी हुआ है लेकिन फिर आज भी हम क्या करेंगे और एक नए नए अलग अलग शब्दों के साथ हम क्या करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे। उसमें पहला हम क्या करेंगे, विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द देख लो उदाहरण के लिए। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, कुछ विलोम शब्द लिखता हूँ, अमृत, ठीक है, और न्याय, प्रकाश, अंदर और नया, ठीक है। इस तरह उदाहरण के लिए मैं क्या किया हूँ, अच्छा इधर पांच विलोम शब्द लिया हूँ। इस तरह प्रश्न आते हैं, निर्देशानुसार वाक्य बनाइए, तो प्रश्न हो तो व्याकरण भाग में। इस तरह एक दो शब्द में प्रश्न पत्र में दो शब्द होते हैं, उसके आगे क्या होता है, उसे क्या करना है, ऑर्डर विलोम रूप लिखिए, विलोम रूप लिखिए, ठीक है। इस तरह प्रश्न के आगे, ठीक है, प्रश्न के आगे क्या होता है, ऑर्डर होता है, अमृत विषय, ठीक है, ज्ञान ज्ञान, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का रोशनी भी हो सकता है, रोशनी,
समानार्थक शब्द प्रकाश अंधकार अंदर बाहर नया पुराना ठीक है। ये क्या है इस तरह है ये विलोम शब्द है बच्चों समझ में आ रहा है ना। आगे उदाहरण के लिए मैं इस तरह है कुछ शब्द आपको इधर दिया हूं ठीक है। तो आगे का भाग क्या है कारक ठीक है कारक के बारे में। अब कौन सा हुआ विलोम शब्द हुआ कारक के बारे में अनुमान चर्चा करेंगे बच्चों। कारक कौन कौन से है कारक के चिन्ह है जानते हैं खारक कुल मिलाकर खारक के आठ भेद हैं। भेद मतलब भाग ठीक है। देख लो कौन कौन से हैं खारक के भेद कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण संबोधन ठीक है। इस तरह क्या है बच्चों कारक के आठ भेद है और ये कारक के भेद है और इधर कारक के चिन्ह है सिंबल होते हैं ठीक है। कौन कौन सा कर्ता कारक के चिन्ह कौन सा है ने। अच्छा आप पिछले कक्षा में हो ठीक है और परीक्षा की दृष्टि से हो या कक्षा में हो बार बार इन सभी ग्रामर के जो भाग हैं इसके बारे में आप देख लिए ठीक है चर्चा किए हैं वो आप भी जानते हैं ठीक है। फिर भी पुनरावर्तन करना क्या है जरूर है। कर्ता कारक के चिन्ह ने कर्म का को करण का से और संप्रदान के लिए के वास्ते अपादान से संबंध के की अधिकरण में या पर संबोधन हे अरे वो ठीक है। इस तरह के क्या है कारक के चिन्ह है बच्चों समझ में आ रहा है ना। आप इस तरह भी आपको प्रश्न आ सकता है कौन सा कारक के भेद कौन कौन से है चिन्हों के साथ लिखिए चिन्ह मतलब सिंबल्स यही कारक के भेद कौन कौन से है चिन्ह के साथ मतलब या चिन्हों के साथ क्या करो लिखिए चिन्हों के साथ लिखिए। इस तरह प्रश्न आया तो आप क्या करना है इस तरह लिखना है कारक के भेद ठीक है आठ भेदों को लिखना है और आगे क्या करना है तो कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं वे सभी लिखना है बच्चों समझ में आएगा। तो क्या है कारक के इधर देख लो बच्चों इसके बारे में आप कक्षा में देख लिए है ठीक है। से दो बार आया कौन कौन सा करण और अपादा दोनों कारक चिन्ह कारक के चिन्ह एक ही तरह है एक ही तरह मतलब से एक ही तरह है लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है अलग अलग समझ में आ रहे ना। अलग अलग तरीके में क्या करते हैं हम इसका उपयोग करते हैं। एक उदाहरण कहता हूं कौन सा देख लो कलम से मैं लिखता हूं समझ में आ रहे ना मैं कलम से लिखता हूं
एक उदाहरण, और एक उदाहरण क्या, पेड़ से पत्ता गिरा, मैं कलम से लिखता हूं और पेड़ से पत्ता गिरा, समझ में आ रहे ना, इस तरह दोनों वाक्य देख लो बच्चों, उसमें अंतर क्या है आप सोचो। एक वाक्य में क्या हो रहा है, वस्तु का उपयोग हो रहा है कलम, दूसरा वाक्य में क्या हो रहा है, एक वस्तु से एक वस्तु अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता उधर अलग हुआ है, इधर एक वस्तु का उपयोग हुआ है कलम, समझ में ना। इस तरह दोनों देखने के लिए एक ही हो तो क्या होता है, उसमें अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए बच्चों आप क्या कह रहे हैं ठीक तरह से देख लेना। कारक और कारक के भेद, आगे काल, वर्तमान, भूत और भविष्य, भविष्य काल, ठीक है। इस तरह क्या है, तीन काल है बच्चों। प्रश्न जिस तरह आता है आपको काल के, उदाहरण राहु, राहु रोज व्यायाम करता है, ठीक है, राहुल रोज व्यायाम करता है। वो आगे प्रश्न होता है क्या, भूतकाल में लिखिए, भूतकाल में लिखिए, क्या करना है इसे, भूतकाल में लिखना है, समझ में आया ना, क्या होता है, राहुल रोज व्यायाम करता था, ठीक है, या यही का करता है भविष्य काल में लिखिए, ऐसा प्रश्न हो तो भविष्य काल में लिखिए, ऐसा ऑर्डर हो तो राहुल रोज व्यायाम करेगा, ठीक है, समझ आ रहे ना, भविष्य काल करता था भूत काल, करता है वर्तमान काल, समझ आ रहे ना। इस तरह जो काल में प्रश्न आते हैं, समझ आ रहे ना, क्या काल भाग है उसमें, आगे पर्यायवाची, निकट भीतर दुनिया रोशनी और खर्च, ठीक है, इन शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए, शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए, निकट है नजदीक, ठीक है, निकट मतलब समीप बोलते हैं ना, निकट है नजदीक, भीतर अंदर, दुनिया जगत या संसार भी हो सकता है, रोशनी प्रकाश, खत पत्र, लेटर बोलते हैं ना, लेटर पत्र, ठीक है। इस तरह जो क्या है पर्यायवाची शब्द,
इस तरह आप लिखना पड़ता है। दो या तीन शब्द आते हैं तो उसके आगे ऑर्डर क्या रहता है, इन शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए या समानार्थक शब्द लिखिए। सब प्रश्न है तो क्या करना है, इन शब्दों का हल कर, ठीक है। आगे देख लो, अरे हाँ, पर्यायवाची हो गया, ठीक है बच्चों। आज यहाँ तक रहने दो बच्चों, तो इस भाग में एक दो तीन चार विलोम शब्द कारक काल और पर्यायवाची के बारे में हम चर्चा किए हैं। तो अभी इसमें प्रेरणार्थक क्रिया, वचन मूल क्रिया, ठीक है। तो और एक में हम देखेंगे पत्र लेखन के बारे में, ठीक है। पत्र लेखन या और एक निबंध भी देंगे, चर्चा चर्चा करने के लिए, ठीक है। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया, वचन है, मूल क्रिया, पत्र लेखन, निबंध है, बाकी है बच्चों, ठीक है। अब जो भाग मतलब व्याकरण भाग में जो भाग अभी बाकी है, ठीक है, वो हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।